सरकार ने आज एक इथेनॉल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पिछले 18-19 ये दो साल में अनेक निर्णय उसी दिशा में किया गया, आज उसी दिशा में और एक कदम उठाया गया। मित्रों, देश में शुगर केन जूस, शुगर से आगे शुगर बनाने में जो मोलासेस उपलब्ध होता है उसी से एथेनॉल बनती थी। अटल जी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन जब अटल जी की शासन की समय खत्म हो गई उसके बाद यूपीए ने इस आत्मनिर्भर वाले रूट को छोड़ के उसको एक प्रकार से नगण्य स्थिति में छोड़ दिया। जब 13-14 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी संभाली, तब उसी साल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सिर्फ 38 करोड़ लीटर एथेनॉल आ पाती थी और उसी साल उसकी प्राइस थी लगभग 39 से लेकर 45 रुपया तक। देश में एथेनॉल को प्राधान्य दिया जाए, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, उसमें एथेनॉल एक बड़ी फैक्टर बने, इसलिए मोदी सरकार ने कंटिन्यूअसली अनेक कदम उठाए हैं। आज उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश में आज एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी 684 करोड़ लीटर है। आज हमारी एथेनॉल प्रोक्योरमेंट बढ़के 38 करोड़ लीटर से बीते 19-20 शुगर ईयर, दिसंबर तक शुगर ईयर होती है, नवंबर एंड तक शुगर ईयर होती है, 19 दिसंबर से 20 नवंबर तक 173 करोड़ लीटर हमने एथेनॉल प्रोक्योरमेंट किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे जो 2030 तक देश की आवश्यकता की, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, देश की आवश्यकता की 20% तक एथेनॉल ब्लेंड करने में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल आवश्यकता होगी। 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हमारी एथेनॉल बनाने के लिए रॉ मटेरियल और कैपेसिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। पहले शुगर से ही सिर्फ एथेनॉल बनती थी, सरकार ने इन दिनों में राइस, मेज, उनसे भी एथेनॉल बनाने का अनुमति दे दिया है, जिसके कारण इस बार एवरेज हमारी आवश्यकता की लगभग 9% हम ब्लेंड कर पाएंगे। इसी साल 325 करोड़ लीटर की, पिछले 20-25 दिनों में दिसंबर 1 से जो नया सेशन शुरू हुआ शुगर ईयर, एथेनॉल ईयर, उसमें से हमने 325 करोड़ लीटर की एश्योरेंस हमको मिल चुका है। हमारी टेंडर सफलता 325 करोड़ लीटर में हो गया है, इसको आने वाले दिनों में 1000 करोड़ लीटर तक ले जाने के लिए आज सरकार ने, जो लोग नया डिस्टिलरी लगाएंगे, जो नया स्टैंड अलोन डिस्टिलरी लगाएंगे, मोलासेस के लिए हो या ग्रेन बेस्ड हो, उसमें 6% तक या लोन अमाउंट की 50% जो सबसे उसके नीचे होंगे, और एक साल की इंटरेस्ट देने, लोन रीपे की मोराटोरियम के साथ आज सरकार ने कुल मिला के इसमें से आने वाले 10 साल में 40,000 करोड़ रुपया की नया निवेश होने से, कुछ निवेश हो गया है और कुछ निवेश होकर 40,000 करोड़ रुपया की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। उसमें ज्यादातर हम पेट्रोलियम सेक्टर में खरीद लेंगे ईबीपी प्रोग्राम में। उसके लिए सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573
रुपया की 4573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया। उसके कारण मित्र भारत में हमारी जो पहल रही है इस बार बजट में ऊर्जा खेती की कल्पना किया गया था। हमारी किसानों की आमदनी को हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने में एनर्जी इंडिपेंडेंसी कन्वर्ट करने में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के नाते हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम खर्चा हो हमारी किसानों की उपज हमारी एनर्जी कंजम्पशन के रूप में कन्वर्ट हो इसी दिशा में एक बड़ी कदम है। इसमें सरकार ने एथेनॉल बनाने वाले कंपनियों को 10 साल तक लॉन्ग टर्म ऑप्टेक एश्योरेंस की भी कल्पना कर दे रही है। बैंकों से लोन उपलब्ध करवाए जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की आज फिर एक रूप घोषणा किया गया। हमने प्रोग्रेसिव रेट पिछले साल जो एथेनॉल हमारी सी हैवी बी हैवी शुगर केन जूस डैमेज फूड ग्रेन ये सब जो कैटेगरी हमारी एथेनॉल की थी जिसमें एवरेज पर लीटर 53 रुपीज था कहा कभी 39-40 रुपया था आज वो 53 रुपीज था। और जो अभी का चालू शुगर ईयर हो रहा है 20 और 21 इसमें से इसको फिर बढ़ा के 58 रुपीज तक करवा दिया गया है। लॉन्ग टर्म एश्योरेंस प्रोग्रेसिव रेट के ग्रोथ और लक्ष्य और इंटर सबवेंशन स्कीम इसके कारण इसकी नेट उपलब्धि हमारी किसानों की आमदनी को दुगनी करने में मोदी जी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसी तहत आज कैबिनेट ने इतनी बड़ी फैसला लिया है। और जो पहले अगर मैं उसको फाइनेंशियल टर्म में हिसाब करूं 13-14 में हमने लगभग 1500 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदा था जो इसी साल बढ़ के 9169 करोड़ रुपया 9169 करोड़ रुपीज जो एश्योरेंस हमको इसी साल मिला है वो बढ़ के लगभग 19000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये सीधा सीधा किसानों की जेब में जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी होगी और हमारे देश आत्मनिर्भर होगा।